बाहर देखो कितना धुंध पड़ी हुई है। टाइम हो रहा है 7:15 और मेरी फ्लाइट है 11:35 की। वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए आज फ्लाइट लेने के लिए मैं एक दिन पहले ही होटल में आ गई, सो दैट कि कुछ भी डिले ना हो, बिकॉज सुबह सुबह घर से आना इस फॉग में सेफ नहीं है। अभी मैं मंगाऊँ, वैसे मैं थोड़ा लेट भी उठ सकती थी, मैं उठ गई हूँ, मुझे नहीं आती हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट है, फिर आराम से तैयार होंगी क्योंकि होटल से 15 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हो। गले की ना बैंड बज हुई है, मम्मी की याद आ रही है यार, बहुत जोर से मम्मी उठ के चाय बना के देते थे, और अभी ना नींद भी नहीं आ रही है। फ्लाइट का मेरे को लग रहा है डिले हो सकती है, बट अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। वो मैं नहाती हूँ, पानी मुझे पहनने हैं ये वाले कपड़े के अंदर का, मतलब ब्लोअर चल रहा है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, गर्म है। तो उनको बोलूँ भैया थोड़ा टेम्परेचर डाउन करो, मुझे बहुत गर्म लग रहा है, तो डाउन करके गए, लेकिन बाहर बहुत ठंडा होगा। बट पटना में कैसा होगा पता नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ठंडा था जब कल आए, और आज भी दीपू की शादी के टाइम भी बहुत ठंडा हो गया था। मैंने किया मेकअप, प्राइमर, फाउंडेशन लगाया। कल तो मेरा मूड बहुत ख़राब था घर से आते टाइम, क्योंकि मन नहीं करता तैयार होने को और आपका दिल बहुत दुखी होता है। अभी फटाफट से मैं रेडी हुई, हेयर वॉश भी कर लिए, बाहर का मौसम बहुत ठंडा है। ब्रेकफास्ट में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं, और रेडिसन का ब्रेकफास्ट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो जब भी हम यहाँ पर रुकते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है, हम लोग निकल जाते हैं, डिनर तो हम वही राइस, स्टीम राइस, येलो दाल खा लेते हैं। फटाफट से मैंने पोहा लिया, थोड़ा सा दलिया लिया गुड़ के साथ, 1-2 चम्मच वो खाए, पोहा मैंने फुल प्लेट खाया, और उसके बाद टैक्सी बुक करी एंड निकल पड़े हम लोग एयरपोर्ट के लिए। हम लोग मतलब मैं और आप सब लोग। और हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल गई, यहाँ पे ना सतेंद्र सरताज आएंगे 31 दिसंबर को, अगर किसी को जाना होगा तो रेडिसन मोहाली में आप जा सकते हो बुक करके, डिटेल्स आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो। बाहर देखो कितनी सारी धुंध पड़ी हुई है, मौसम कितना ख़राब है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 10:30 हुआ है। आज तो इतना लंबी लंबी लाइन लगी है, और मैं ऑलमोस्ट टाइम पे हूँ, 10:10 हुआ है, 11:35 के अंदर जाके देखती हूँ कि कोई डिले है या फिर टाइम पे है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, अदरवाइज बहुत सारी फ़्लाइट्स ना कैंसिल हो गई थी। तो मेरे को लग रहा था थैंक गॉड कि हमारी फ़्लाइट जो है कैंसिल नहीं हुई। थोड़ी सी नींद आई, फ़्लाइट 1:35 की थी, पता नहीं जाते टाइम 1:35 लगता है, आते टाइम 1:50 55 मिनट 2 घंटे ऐसे लग जाता है, आई डोंट नो क्यों। फटाफट से टेक ऑफ हुआ, बिल्कुल भी डिले ही नहीं हुआ, और मेरे को ऐसा लग रहा था वाओ आई एम सो लकी कि जल्दी जल्दी से सब हो गया, नहीं तो बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो वहाँ पे बड़ा रिग्रेट कर रहे थे कि आए हमारी फ़्लाइट क्यों कैंसिल हो गई। हम लोग ऋषिकेश और देहरादून क्रॉस देते जा रहे हैं। Also should be a few minutes early. Visibility is very low in just about be good enough for us to land. While yes, on the left, ladies and gentlemen, I will get back to you once again a little later. 90 Dal and town as well as the lake is visible very clearly. And also the peaks, the two twin peaks connected by a ridge, that's the Nanda Devi peak. And in wartime, on a very rare occasion like today, we are lucky to have views of Mount Kailash in Tibet. This mountain, which
left Puno ranges of Himalayas which lie in Nepal and आप देखो कितना मौसम ख़राब है पटना में भी। मैं फ़र्स्ट टाइम हम लोग पटना की ठंड को इंजॉय करेंगे। 1:05 में हमारी फ़्लाइट हो गई लैंड। सामने लगी है बिस्तारा की फ़्लाइट और ये मुझे लेने के लिए आ गए हैं। इन्होंने करानी थी होंडा में सर्विस, उसके बाद इन्होंने मुझे पिक करना है। फिर ये मुझे कॉल करके बोल रहे थे, इनको पता चल गया था कि मेरा मूड ऐसे अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली यार, जब आप इतने दिन के बाद आते हो आपको अच्छा फील नहीं होता, तो ये बोलते जल्दी आ, हम सिटी सेंटर मॉल जाएंगे और हमें खाना खा के आएंगे सो दैट कि मुझे अच्छा लगे। फटाफट से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और मेरा दिल लग गया था। फिर मैंने अमरूद खाया क्योंकि मुझे अमरूद की बहुत क्रेविंग हो रही थी। फल लिए और बातें करते करते हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते के लिए पटना से IIT। हमको एयरपोर्ट से IIT पहुंचने में 45 मिनट, डिपेंड करते हैं ट्रैफिक पे, लग जाते हैं 45 मिनट, तो कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है। बट आज उतना ट्रैफिक नहीं था, ठीक ठीक था। बट हाँ, फोग बहुत थी तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको ड्राइविंग में। वेरी गुड मॉर्निंग, अपने घर में आ गए और मम्मी की याद आ रही है, सबकी याद आ रही है। बट यहाँ पे आके मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा। बट मैं बहुत टाइम बाद गई हूँ ना, इसलिए मैं गई थी 19-20 तारीख को और वापस आई हूँ 29 को। आज है 30 दिसंबर, कल 31 दिसंबर है, परसों पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा ठंड। इतनी नहीं है शायद, मुझे नहीं लग रही अभी, पर जितनी हिमाचल में ना उतनी धूप ठंड नहीं है। कपड़े मैंने निकाल के रख दिए वॉश करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्लांट्स। रात को पहुँचे थे क्योंकि वैसे तो फ्लाइट पहुँच गई थी, बट हम लोग सिटी सेंटर मॉल चले गए, खाना वाना खाया, फिर कुछ राशन था वो लिया, इसलिए आते आते फिर लेट हो गई। इसलिए मैं आपको प्लांट्स वगैरह दिखाने पे, और ये लंबे प्लाजो का ना बड़ा दिक्कत रहता है, बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है ये। यहाँ से देखो प्लांट्स दिखाती हैं, फिर चाय बनाते हैं और कुछ खाने को बनाते हैं। वैसे मैंने चने ना रख दिए हैं उबलने के लिए। ये है मेरे प्लांट्स, जो कि यार ये वाला तो मतलब नहीं ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे सफाई करवाने वाली, पानी तो डाल देते थे बट सफाई बहुत होगी। वही होता है ना, जैसे ये वाला सूख गया, मैं होती तो अच्छे से टेक केयर कर पाती अपने हाथ का। तो हेल्पर वगैरह आते थे बट उनको वही, इनके पास टाइम नहीं होता, फिर उनको जल्दी से निकलना पड़ता। इसके पूरे पत्ते पीले पड़ गए हैं, ये भी पीला हो गया है। ओहो, और हरा धनिया तो गया ही, बिल्कुल गया, खत्म हो गया। एनीवेज अभी मैं आ गई हूँ, आज तो बहुत सारा काम रहेगा करने के लिए, बट मैं इतनी जल्दी से नहीं करूँगी, आराम आराम से धीरे धीरे से करूँगी। इससे पहले तो इनको प्लांट्स को मतलब जैसे पहले वहाँ पे दूसरी बालकनी में रखे थे ना, वहाँ पे उठा के रखना है। ये वाला तो ठीक है, अच्छे से ग्रो कर लगता है ना। इनमें से कुछ प्लांट्स जैसे इस वाली बालकनी में ना धूप नहीं आती बिल्कुल भी, शायद कुछ प्लांट्स को ना धूप की जरूरत होगी। और ये है मौसम यहाँ का, कल भी पूरा दिन ऐसे मौसम था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बट इतना ठंडा मुझे अभी फील हो नहीं रहा। ऐसे टेम्परेचर 17-18 सब लोग अंदर चलते हैं चाय पीते हैं, फिर धीरे धीरे करके सेटिंग करेंगे। एक हफ्ता तो लग जाएगा पूरा सेट करने में। हाउसर पर आ गए हैं तो हम दोनों मिलके करेंगे काम वगैरह। भाभी पहले चाय बनाते हैं, मगर मैं रूम में इधर बैठ के चाय पीऊँगी, तो सामान थोड़ा सा रेडी कर रहे हैं, क्या बनाना है क्या समझ ही नहीं आ रहा था। इन्होंने मेरे आने से पहले काले चने भिगो के रखे थे तो वो बनाऊँगी मैं, और तड़के का सामान मैंने रेडी कर लिया है, तड़का लगाऊंगी, बाकी देखती हूँ। सेटिंग घर को फिर से रूटीन में आने में टाइम लगेगा, एक हफ्ता तो लग जाएगा क्योंकि अब वैसी आदत भी नहीं रही है। और बोल रहा वैसे मेकअप कर रही हूँ, शायद मैं आज ही कर लूँ, बट आज हो नहीं पाएगा क्योंकि आज कपड़े नहीं धुल पाएंगे। पहले जो कपड़े धुले हैं वो सब रैक पे पड़े हुए हैं, सूखे नहीं, और कपड़े धुल दिए फिर वो भी सूखेंगे नहीं क्योंकि धूप नहीं निकलेगी, धूप निकलेगी फिर कपड़े धो पाएंगे, इसलिए कपड़ों का काम तो मैं स्किप कर रही हूँ। अभी तक मैंने अटैची जो हम लेके आए उसको भी अनपैक नहीं करा। मम्मी की याद आ रही है आंचल की, सब की। लास्ट व्लॉग डाला था उसमें बोलता कि मैं पटना जा रही हूँ, यार मेरी फ्लाइट ना उसी दिन की थी 28 की, बट फिर मेरे को 29 को आना पड़ा, बहुत सारी फ्लाइट है ना कैंसिल उस दिन भी हो रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा यार फ्लाइट कैंसिल हो जाए कैंसिल, बट जब बोला उन्होंने पटना चंडीगढ़ पटना की फ्लाइट एकदम टाइम पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यार शुक्र पहुँचो, क्योंकि यार पहले घर से दीपू आंचल मेरे को छोड़ के गए, वहाँ पर फिर होटल लिया, फिर होटल में रुके, है ना, वो बहुत सारा वो ज्यादा। अगर मैं मॉर्निंग में आती तो बहुत मुश्किल होती क्योंकि फोग इतनी डेंस है ना, इट्स रियली रिस्की है। तो आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, ट्रैवल मुझे लगता है इस टाइम पे कम ही करो क्योंकि फिर काफी हो जाता है। और मेरी मम्मी को अच्छा लगा, मैं चले गई कि मम्मी को था
मेरी रिटायरमेंट आने वाली है तो तू क्यों जा रही है, अभी बहुत कम टाइम है, तुझे इधर ही रुकना चाहिए। थोड़ा बुरा लग रहा था, ये मुझे बोलते रहे थे जब मेरे को था यार जाना है अपने घर, थोड़ा थोड़े टाइम के लिए तो जाना ही ना। तो मम्मी की रिटायरमेंट की जो भी तैयारी है हम लोग फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन पहले जी इस गर्मी में अब पूरे टाइम पे रिटायरमेंट की तैयारियां चलने वाली, क्या पहनना है, कैसे करना है, कैसे सब चीजें करनी है। हाँ बोलो। आओ मैं हो गई नहा के तैयार, हेयर वॉश मैंने नहीं करे, मौसम बाहर का ऐसा ही है जैसा सेम सुबह था। मैं बनाने जा रही हूँ अभी चाय, ज्वार की मैंने रोटी बनाई है, हाउस हेल्पर से मैंने बहुत सारा काम कराया, आप मैंने काम किया है उनके साथ लग के, बालकनी वगैरह पूरी क्लीन कर दी, दूसरी वाली बालकनी कल साफ करेंगे, रूम कर दिया, डस्टिंग वस्टिंग सब कर दिए, बाकी ये सब कल उठाएंगे थोड़ा थोड़ा। पूरा रूम ना किच 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 हो गया, अभी मैंने सब ना वॉश करके सुखा के ना जुराबे वगैरह पहन लिए। और हमारी जो फ्लाइट थी ना बहुत अच्छी थी, मैं एक बात आपको बताना तो बीच में भूलेगी, वैसे तो आपने व्लॉग में देख लिया होगा कैसे हम लोग ना हमारा टेक ऑफ हुआ चंडीगढ़ से। जैसे हम पटना पहुंचने वाले थे थोड़ी देर पहले पायलट ने अनाउंसमेंट करा कि आप देहरादून, नैनीताल और लेक, फिर केदारनाथ की पहाड़ियाँ, फिर पर्वत माउंट कैलाश, सब कुछ हमको ना वहाँ से देखने को मिल रहा था लेफ्ट साइड पे। मैं राइट साइड में बैठी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा उठ के वहाँ पे देखा, मैं उतना कैप्चर नहीं कर पाई, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो पूरी फ्लाइट वाले लोग बहुत वगैरह थे कि हम मतलब, और पायलट ने अनाउंसमेंट करा कि ये लाइक एक बहुत ही लाइक आप हमारे लिए, हम लोग लकी हैं कि हमको देखने को ये मिली है। और बहुत क्लियरली विजिबल थी वो पहाड़ियाँ, तो सब कुछ देखते हुए। और जो नैनीताल की लेक है ना वो तो एकदम से दिखाई दे रही थी नीचे को, तो वो सब देख के ना मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पटना जाते जाते कितनी सारी चीज़ें हमको लाइक देखने को मिली। और जैसे मेरे को लग भी रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ कि हमारी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी। आज मैं उतना व्लॉग नहीं बना पाई, पर जितना भी बना पाई मैंने सोचा आज डाल देती हूँ, कल तो डाल ही नहीं पाई थी, कल ट्रैवलिंग में निकल गया, दिन टाइम था और मैं एडिट नहीं कर पाई। और मैंने वो वाले प्लांट्स उठा के इधर को रख दिए मैंने और इन्होंने, उसके बाद मैं नहा के रेडी हुई हूँ, बाकी मैं कल सेटिंग करूँगी इनका। हमारी स्ट्रॉबेरी मैंने आपको दिखा दी शायद ना, ये देखो स्ट्रॉबेरी आ गई है छोटी सी। वो भैया जब लेके आई थी ना दिवाली वाले दिन तब वो बोल रहे थे कि तुरंत आ जाएगी, बट अभी आई नहीं है, वहाँ पर मैंने इधर इसको सबको इधर को रखा। अभी यार जो पीले पीले हो गए कैसे ठीक होंगे समझ में नहीं आ रहा। तभी कहते हैं प्लांट्स जब लेते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप ट्रैवलिंग में चले जाओ घर पे चले जाओ ना तो फिर पीछे से उनकी ना हालत लाइक ऐसे हो जाती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आ गए हैं इधर वाले जो घर है उसकी पूरी सेटिंग करेंगे अच्छे से, एंड ठंड बहुत है, ध्यान रखो, गर्म पानी पीते रहो, अपने मम्मी पापा का स्पेशली बुजुर्गों का इस ठंड में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से कोसा कोसा गुनगुना पानी पीना चाहिए, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें मत खाना, थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं, सर्दी को एंजॉय भी करना है, बट गर्म गर्म रोटी खाओ, ताज़ी ताज़ी खाना खाओ, खूब मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अभी बनाएंगे चाय, इंडक्शन पे रोटी पकने में बहुत टाइम लगता है, इतने दिन के बाद ना इंडक्शन यूज़ करके ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर जाके इतना सारा काम करके आती हूँ तब भी हमारी रोटी जब पकती नहीं, तो मैं दो दो तवा यूज़ करती हूँ पकाने के लिए। ये ना बोल रहे हैं कि हर रोज़ ना ये चिल्ला बना लेते थे कभी ब्रेड कभी कुछ ऐसे, कि आज बहुत दिनों के बाद मैं खाना खाऊंगा ज्वार की रोटी और चने की सब्जी, तो ये खा रहे हैं, मैं साथ साथ में बना रही हूँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के। तो पहले तो बोले दो खानी, फिर तीन चार इन्होंने खा ली, फिर बहुत दिनों के बाद आज रोटी बनी है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, मैं शुगर ढूंढ रही हूँ कहाँ पर, बहुत सारा सामान लाने वाला है, बहुत सारा सामान अभी लाई हूँ आज सुबह, कुछ कल लेके आई थी और हॉस्टल पर झाड़ू वगैरह कर दिया उन्होंने, डस्टिंग वगैरह कर दी, वैक्यूम वगैरह कर दिया,